हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, कैल्क जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप नेट से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए सिस्टम में और यूज कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह आपको इसके लिए दुकान अब आपके पास है या फिर नेट से कहीं व्यवस्था मिल गई, क्रैक वगैरह बना के किसी ने रखा हुआ है तो वहां से तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्री में डाउनलोड कीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेट से डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। इसका ये फायदा है। अब यहाँ पे देखिए, हमको प्राइस पता करना है। जैसे एच लुकअप करता क्या है, जैसे मान लीजिए कि वी लुकअप है, तो वी लुकअप तो वर्टिकली आपको डेटा फेच करके देता है, लेकिन एच लुकअप आपको हॉरिजॉन्टली डेटा फेच करके देता है। कैसे देता है ये दिखाता हूँ। इज इक्वल टू एच लुकअप लगाते हैं यहाँ पे, एच लुकअप ये लगाया हमने, और ये लीब्रा कैल्क हम सीख रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम क्या हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, ठीक है। अब प्राइस को हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ B1 आ गया, यानी सेल एड्रेस आ गया, कॉमा दे दिए। इसके बाद क्या करना है, आपको वो सेल रेंज सेलेक्ट करनी है जहां पर आपकी प्राइस हो सकती है। तो देखिए, प्राइस यहीं पर ना है, तो यहां से लेकर के आपको ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरी रेंज आपने कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। आपको एक भी कम नहीं सेलेक्ट करना, एक भी ज्यादा नहीं सेलेक्ट करना, कॉमा देना है। अब बताइए रो नंबर कौन वाला देखना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से काउंट कीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। किसका प्राइस देखना है आपको, कार्ड रीडर का देखना है, तो कार्ड रीडर जो है 4 है। रो नंबर कौन सा है, 4 है। वीलुकअप में क्या करते थे, कॉलम नंबर डालते थे, यहाँ पर क्या डालेंगे, रो नंबर डालेंगे। तो 4 लिखिए, कॉमा दीजिए, 0 दीजिए, एग्जैक्ट मैच के लिए बंद कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिएगा कार्ड रीडर 100 रुपये का है कि नहीं, देखिए ये ना है कार्ड रीडर। देखिए मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए कार्ड रीडर 100 रुपए का है ना, तो 100 रुपया यहाँ आ गया है। इसी तरह से आप सबका निकाल सकते हैं, पर कुछ और अगर आपको निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको देखना है कि नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट आए, ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पे एच लुकअप लगाइए इस तरीके से और ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ठीक है, ये लगा लिया। अब हमें क्या चाहिए, क्या देखिए हमें चाहिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए। देखिए वी लुकअप में आप साइड से सेलेक्ट करते थे और यहाँ पर आप ऊपर से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि कॉलम वाइज सेलेक्ट करेंगे। वी लुकअप में पहले रो सेलेक्ट करते थे, ठीक है, और लास्ट में कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता था, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में रो इंडेक्स नंबर देना है और पहले कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है, कॉमा देंगे। इसके बाद क्या करना है, पूरा ये सेलेक्ट कर लेना है, ये टेबल जो है ना, पूरा का पूरा टेबल आप सेलेक्ट कर जाइए कुछ इस तरीके से। हो गया सेलेक्ट, देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, सेलेक्ट हो गया। F4 दबा के, अच्छा फ्रीज नहीं करना है, रहने दीजिए, फ्रीज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, रो इंडेक्स नंबर तलाशिए। जैसे मान लीजिए कि हमको चाहिए कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड का रो इंडेक्स नंबर 2 है। कैसे, यहाँ से हमारा टेबल शुरू हो रहा है तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 और ये 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर खाली लिख दीजिए 2 और यहाँ पर करिए कॉमा फिर 0, तो ये आ जाएगा कीबोर्ड। देखिए ना, कीबोर्ड आ गया। अब अगर आप इसको इधर की तरफ ड्रैग करेंगे, चलिए ये ड्रैग करके दिखाता हूँ, ये ड्रैग किया मैंने, ये ड्रैग किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब एक साथ आ जा रहा है। और अगर इसको नीचे ड्रैग करते हैं, देखिए ये नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, ये देखिए ये नीचे की तरफ ड्रैग किया, क्योंकि हमने पूरा सेलेक्ट किया था तो सब एक ही बार में आ जाएगा, ये बहुत ईजी है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से इसको ड्रैग कर लीजिए आप, हो गया, ये हो गया, तो ये सब कुछ आ गया एक ही बार में, तो अच्छा है कि नहीं। बिलू पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।